हम का बोलू बै तो उबई करब गैया भैंसिया लग उबई करब हम है यूपी के यादव के लड़का दुधवा में पानी मिल उबई करब दुधवा में पानी मिल उबई करब जे का पिए खो नहीं सतुआ जाए नहीं पालो भैंस भैया नहीं पालो गाय तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे दो बत्ती फ्री इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्मी माँ सुपर चौथी मानी फिर क्रीम ब्यूटी पार्लर फैर लवली बंती बबली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत मैंगो जूसी लेकिन फूटी सारे लोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी बाल जीवन बुट्टी यूं खिली खिली तुम जाने जहां कहां चली चंदनी साबुन लहराई बहुत अच्छा है तो कविता का फ्लो है कविता मैं तो लिखता हूं मैं तो कभी हूं नहीं और मैं चाहता हूं कि आप सबने बहुत अपनी नींद तो खराब कर दी है लेकिन कितना बढ़िया प्यार और मुलाकात हो गया कि प्यार होता है जहां जंग नहीं होता है हादसा भी किसी के संग नहीं होता है आइए प्यार के रंगों में रंग लें सबको प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है लेकिन कहते हैं अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे ना किसी शहर में कोई दंगा रहे सर भले ये कटे इस वतन के लिए पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे अभी तो आ रहे थे हमारे चौरसिया जी भी यहां उपस्थित हैं मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूं और अभी तो मैं आ रहा था तो मैं आगोछे से अपने बाल को ढका था नरसिंह भाई पहचान नहीं पाए बोली अंबर जैसा लग रहा है चलो चेक करते हो वही है कि नहीं जब आए तो मैं अंबर था बोली अंबर भाई बाल ढके हो पहचान नहीं पाया हमने कहा ढका क्यों बाल को कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे अब बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे बाबा 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 का क्या भरोसा अच्छा सुनील चौचक है बहुत अच्छा है सुनील चौचक है एकदम औचक माला पहना देते माला पहनने में बड़ा खतरे भी है ना ज्यादा पहन लेने पे लगता है कि ये गया भगवान करें दया हम तो अपने औरत से कहे कि जो सामने घर में औरत रहती है वो आम आदमी पार्टी की है तो कहे कैसे आपको पता हम कहे कल ओका हम इशारे बुलावत रहे तो हमका झाड़ू दिखावत रहे अब हम कहे बगल वाली औरत हाथ का पंजा इसलिए बहुत समस्या रहती है मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूं बहुत बढ़िया है देखिए दुनिया की सबसे मजबूत जाति यादव होती है आप कितना सोवा मेथी पालक पनीर किशमिश काजू बादाम मुनक्का खा लो लेकिन आप दूध नहीं दे सकते लेकिन यादव ऐसी जाति है दोनों टाइम दूध देती है क्यों यादव 2 लीटर के 5 लीटर के 3 लीटर अब यादव देखी देखा सब दूध दे लागन बाभन ठाकुर सब लोग शुक्ला डेयरी उद्योग पांडे डेयरी उद्योग ठाकुर साहब डेयरी उद्योग कुल खुल गए यादव का कारोबार ही खत्म हो गए लेकिन यादव का एक कारोबार कभी खत्म नहीं होगा हमने नरसिंह भैया से कहा नरसिंह भैया आप यादव हैं आपका स्वभाव क्या है कहे वो तो कभी नहीं बदलेगा अगर कोई यादव आपको ओरिजिनल दूध पिला दे तो आपका पेट खराब हो जाए इसलिए यादवों को इसकी पहचान है कि इस आदमी के पाचन तंत्र को कितना दूध चाहिए उसके हिसाब से उसमें पानी मिला देते हैं
ताकि वो आपका पाचन तंत्र उसको संभाल ले, और वो परंपरा जारी रही सदियों से, आगे भी जारी रहेगी, ये उनका नियम है। साहसी भैया ने कहा, अंबर भाई हम यादव हैं, सरकार चाहे जिसकी हो लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। हम कहे आपका स्वभाव क्या है? कहने लगे हमका बोलू गया तो उबई करब, गैया भैंसिया लगा उबई करब, हम है यूपी के यादव के लड़का, दुधवा में पानी मिलउबई करब, दुधवा में पानी मिलउबई करब, जे का पिए खो ना ही सतुआ जाए, ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाई बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय, कोई बॉय है जहाँ लाई बॉय है वहाँ चैंपियन ने लाइट बॉय के पीछे दो बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्मी माँ सुपर चौथी मानी क्रिक्रीम ब्यूटी पार्लर फैन लवली बंती बबली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। मैंगो हर हर महादेव, तुम्हें माता च पिता तुम्हें इमरान भाई माला पहरा दिए, बहुत अच्छा है। कहते हैं देश में हिंदू मुसलमान एक हूं, हम कहे एक नहीं है क्या जो आप लोग कह रहे हैं? कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहे कश्मीर हमारा नहीं है क्या जो कह रहे हैं? ये तो उसी तरह हुए जैसे हमारे पिताजी कहें बिहारी लाल आप हमारा लड़का है, आज जब लड़का आप कहाई तो कहा कि जरूरत क्या है। देखो माला का बोझ कम कर दी, क्योंकि माले का बोझ कुछ हमसे अधिक अब दिखने लगा, इसलिए अभी तो हमारी औरत करवा चौथ रही, अब कहें सामने खड़े हो जाइए आपको देख के पानी पीऊंगी, हम कहें मेरी एक आँख खराब हो किसी और को देख के पी ले, तू अपनी जिंदगी जी ले प्यासे मत मर। हम कहे ये बताओ आप लोग पतियों को चलनी से क्यों देखती हो? कहे पति लोग साल भर इतना पूरा पाठ किए रहते हैं, हमका साल में एक बार इनका चालीस पारत है, इसी चलनी से मैं चाल लेती हूँ, चाल करके इनको अपडेट कर देती हूँ, अब फिर छोड़ देती हूँ, जाओ जो मन सो करो, फिर इसी दिन इसी डेट को आना है। इसलिए अब हमने कहा आप लोग ये करवा चौथ क्यों रखती हो? कहने लगी ये पतियों को उम्र लंबी करने के लिए। हमने कहा तो खाली हमारे लंबा हुए आप तो वहीं रहे, यही हम एकदम से चले गए थे, फिर तू दूसर के साथ ही चपरा। हम कहे अब तू यह साल रुका, अब यह साल से हम करवा चौथ रहा, अब चला हमका सामान खरीदे बाबा, बाइया खराब है, मार्केट दोनों तरफ खुली है। मैं जब अंदर गया मैंने कहा प्रिय आज इधर की दुकानें क्यों बंद है? वो बोली प्राणनाथ जब अभी आप उधर से लौटे हो तब ये भी खुली रहेगी। हम कहे अच्छा बहुत अच्छा है तब तो सही है। तो कहने लगी बीच बाजार में प्रकाश दादा, हाँ भैया सोची, कहने लगी बीच बाजार में मैं कैसे लग रही हूँ? मैंने कहा कितना हसीन चेहरा, जैसे विनोद मेहरा आप सब देखो प्रकाश दादा जैसे विनोद मेहरा इनका चेहरा देखें, कितना हसीन चेहरा उसका, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झाके, वो भी तुमको झाके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मिलया।
तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे मुंह पर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तू मेरे यार। और कहते हैं मेरे अनगर दादा बैठे हैं, ये तो प्योर बिहारी हैं, हम केवल नाम के बिहारी हैं, आप ओरिजिनल बिहारी हैं। और हमारे बीच में वो आचार्य गुरु जी बैठे हैं संस्कृत वाले, चंद्रमौली गुरु जी, हाँ कहाँ है अध्यक्ष वो है, अच्छा हाँ हाँ आचार्य संस्कृत के विद्वान चंद्रमौली त्रिपाठी गुरु जी बैठे हैं। लोग कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, मैंने कहा नहीं, एक तिवारी सब पे भारी, एक तिवारी सब पे भारी, जो आजादी का था पर भारी, जिसकी पूरी दुनिया आभारी, फिरे अंग्रेज न आरी आरी, सबको मारा बारी बारी, अंतिम गोली खुद को मारी, वाह तिवारी जिया तिवारी, थंड तिवारी जले धारी, पंडित चंद्रशेखर आजाद, दुश्मन भी हमें देखकर बर्बाद रहेगा, दुश्मन भी अपना प्रसंग बा, हाँ गुरु जानकर भी क्या देखे से लगेला कि नर हो कि मादा, सुनसे दुश्मन भी जिसे देखकर बर्बाद रहेगा, होठों पे सिर्फ भारत जिंदाबाद रहेगा, जब तक जिएगा उसे ये याद रहेगा, वो आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। इसलिए अपने नौजवान साथियों से कहते हैं, कारवा जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लुटने दूंगा, खाके भारत हम तेरे सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। देखिए कविता लिखी नहीं है, मेरे मन ने कहा मैं कविता लिखना नहीं जानता, मेरी पत्नी ने कहा आप अच्छी कविता क्यों नहीं लिखते, हमने कहा देश में इतना अच्छे अच्छे कवि लिखते हैं, अब हम क्या लिखें, हम केवल उनको सुनते हैं, अब सुन करके अगर किसी कवि की रचना अच्छी लगी तो हम उसको आप लोगों के बीच में पढ़ देते हैं। तो कवि लोग कहते हैं आपने हमारी रचना पढ़ी, हमने कहा जी हम तुलसीदास को भी पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर लगा के 2 दिन गाते हैं, मगर आज तक तुलसीदास ने नहीं रोका, तो आप उनसे बड़े कवि नहीं, इसलिए अपनी रचना हमसे पढ़वाओ। सारे कवि लोग अपनी रचना पढ़वाए, सब लोग पढ़वाए, एक दिन अनगर भैया कहे हमारी रचना भी पढ़ा करो अंबर, हमने कहा दादा हमारी भी तो कौन स्तर है, हमारा आदमी के रचने पढ़ रहे गुरु जी, तो इससे उनका स्तर का पता चला, तब कह रहे हैं अभी अच्छी रचना नहीं लिखी, क्या ही अंबर मेरी नहीं पढ़ना चाह रहा है। जब हम किसी के न पढ़े तब जान लीजिए उस कवि ने अच्छी पंक्तियां कभी नहीं लिखी, इसलिए वो कवि लिखे बढ़िया और हमका सुनावे, और जब हम ओके सुनाई तब जान ले वो अच्छा कवि है। प्रकाश दादा का भी नाम आता है, क्योंकि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है, हसीनों हल्के में हर दिन न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। आज यहाँ प्रकाश दादा की बात है, मैंने पूनम जी से पूछा प्रकाश दादा में क्या कुछ रस है, कहे पहले था अब नहीं है। तो मैंने उसको 4 लाइन में बांधा कि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया, इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। ऐसे रसवान व्यक्ति हैं